हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था लिस्ट एक टाइप का जो यहाँ पर इंटीजर वगैरह का था, तो आज हम पढ़ेंगे इसको। मैं रिमूव कर देता हूँ और स्ट्रिंग पढ़ता हूँ। तो स्ट्रिंग अगर हमें क्या करूँ, अगर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का बनाए तो लिस्ट इनटू स्ट्रिंग, ओनली स्ट्रिंग। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट्स बनाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओनली स्ट्रिंग डॉट ऐड। अगर यहाँ पर मैं कोई 1, 2, 3 वैल्यू दूँ तो ये इंटीजर है, तो ये मुझे क्या एरर देगा, द आर्गुमेंट टाइप एंड कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दूँगा, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन हो गया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ओनली स्ट्रिंग, तो यहाँ पर देखें क्या आता है, जॉन, ठीक है, ये ब्रैकेट्स में बंद है। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ डॉट ऐड, और कोई दूसरी वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक, अच्छा ये यहाँ पर नहीं अलाउ। यहाँ पर अगर मैं लेंथ दूँ तो लेंथ मुझे क्या देगा, 1। तो इसी तरह से मैं ओनली स्ट्रिंग डॉट ऐड, और यहाँ पर मैं वैल्यू दूँ माइक, और इसको मैं क्या करूँ, प्रिंट करूँ, तो ये देखिए 2 हो गया, ठीक है। और इस पे हम फॉर लूप भी चला सकते हैं, फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन ओनली स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस, और इसको मैं क्या करूँ, प्रिंट। और यहाँ पर मैं आ जाऊँ डॉलर ओनली स्ट्रिंग डॉट लेंथ, सॉरी लेंथ नहीं, इनटू आई। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो यहाँ पर आ जाए, ये 2 क्या दे रहा है, ये मुझे ये लेंथ दे रहा है। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ तो ये देखिए जॉन एंड माइक। अब ये तो हो गए। अगर मैं अपने ख़ुद के डेटा मेंबर्स बनाऊं या फिर डेटा टाइप्स बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल क्लास पर्सन का मैं डेटा टाइप बना रहा हूं, तो मैं याद दूंगा स्ट्रिंग नेम, लेट सपोज मैं नेम दे रहा हूं, इसको असाइन इनिशियलाइज़ करना होगा, तो अगर आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो इनिशियलाइज़ नहीं होगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पर्सन का कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, दिस डॉट नेम, इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ या फिर रिमूव कर देता हूँ, छोड़े इसको। और अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाऊँ, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाऊँ नेम्स का, तो जॉन इक्वल्स टू न्यू पर्सन, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट में वैल्यू दूँ, आर्गुमेंट्स दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन, यहाँ पर मैं कॉपी करूँ पेस्ट करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक, और यहाँ पर मैं दूँ माइक, और यहाँ पर मैं दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी नेम दूँ, सॉरी। अब इसका मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो लिस्ट एक कौन से टाइप का, ये स्ट्रिंग या फिर इंटीजर का नहीं है, ये पर्सन का है। स्ट्रिंग और इंटीजर बिल्ट इन क्लासेस हैं, और ये पर्सन मैंने ख़ुद की क्लास बनाई है। अब और यहाँ पर मैं देखूँ पर्सन, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड कर रहा हूँ पर्सन डॉट ऐड, यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू दो, फॉर एग्ज़ाम्पल वही वैल्यू दो जॉन का, ठीक है। और मुझे क्या दे रहा है एरर, पर्सन, अच्छा ऑब्जेक्ट में दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे क्या एरर दे रहा है, अनडिफाइंड नेम पर्सन, अच्छा सॉरी नाम गलत है इसका, बहुत ध्यान रखें, पर्सन डॉट ऐड, और मैं यहाँ पर दूँ माइक, वही ऑब्जेक्ट पर्सन डॉट कोरी डॉट ऐड एंड टू कोरी,
ठीक है, अगर मैं यहाँ इसको प्रिंट करना चाहता हूँ थ्रू फॉर लूप वेरिएबल आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन पर्सन डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर मैं दूँ पर्सन इनटू आई और इसको मैं प्रिंट करूँ तो ये मुझे क्या देगा, इंस्टेंस ऑफ पर्सन, मतलब ये ऑब्जेक्ट है पर्सन का। तो अगर मैं इसको क्या करूँ डॉट नेम, नेम कौन सा नेम है, ये नेम है स्ट्रिंग, ठीक है, मेंबर वेरिएबल, तो ये देखिए जॉन माइक एंड कोरी, ठीक है। अच्छा, फॉर लूप का एक दूसरा तरीका भी है, अगर मैं दूँ वेरिएबल पर्सन इन पर्सन्स, अब ये मुझे ये एरर इसलिए दे रहा है कि मैं कॉपी करूँ इसको पर्सन्स करूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पर्सन्स में एक पर्सन उठाना है वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ यहाँ पर दूँ पर्सन, इसको मैं यहाँ प्रिंट करूँ तो देखिए इंस्टेंस ऑफ पर्सन, यहाँ पर मैं एक लाइन प्रिंट कर रहा हूँ कि मुझे सही से पता चले इंस्टेंस ऑफ पर्सन। तो अगर मैं यहाँ पर दूँ नेम तो ये देखिए जॉन माइक एंड कोरी, तो ये हो गया मैंने अपना लिस्ट बनाया, अपने क्लास का लिस्ट, ना कि स्ट्रिंग और इंटीजर का, और एक स्ट्रिंग का बनाया लिस्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड सी यू सून।